इंदौर शहर मशहूर है अपनी व्यस्तता, व्यावसायिकता और सांस्कृतिक विरासत के लिए। इसी इंदौर शहर के एक शांत और सुरम्य इलाके में बसा हुआ है पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय इंदौर। इसकी हरियाली, इसका मनोरम और सुरक्षित वातावरण मॉर्निंग वॉकर्स के साथ खूबसूरत पक्षियों को भी आकर्षित करता है। आजादी के पहले यहाँ होलकर स्टेट की भील पलटन का प्रशिक्षण होता था। सन 1948 में आरक्षक प्रशिक्षण केंद्र बना और जुलाई 2012 में कॉलेज घोषित किया गया। यहाँ अब तक 66 से अधिक बुनियादी प्रशिक्षण सत्र चलाए जा चुके हैं, जिनमें 15,000 से अधिक आरक्षक ट्रेनिंग ले चुके हैं। प्रदेश का ये अकेला पुलिस प्रशिक्षण संस्थान है जिसमें महिला व पुरुष आरक्षक एक साथ प्रशिक्षण लेते हैं। समाज की बदलती आवश्यकताओं और अपराधियों के बदलते तौर तरीकों की कठिन चुनौती से निपटने के लिए पुलिस प्रशिक्षण में भी बदलाव जरूरी हो चले थे। इसीलिए ट्रेनीज को कानून, विवेचना और पुलिस स्टेशन मैनेजमेंट के परंपरागत विषयों के साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट, ट्रैफिक मैनेजमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, मानव व्यवहार और संवाद कौशल की ट्रेनिंग दी जा रही है। कंप्यूटर एंड ऑफिस ऑटोमेशन के साथ साइबर क्राइम और आईटी एक्ट का प्रारंभिक परिचय भी दिया जा रहा है। ट्रेनिंग को प्रभावी बनाने के लिए स्टडी टूर, केस स्टडीज, एक्सपीरियंस शेयरिंग तथा रोल प्ले जैसी रोचक गतिविधियां कराई जाती हैं। खेल और सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में स्टाफ भी हिस्सा लेता है। कॉलेज में ट्रेनी ओरिएंटेड एनवायरनमेंट बनाने के लिए ट्रेनीज की कई कमिटीज बनाई गई हैं, जो व्यवस्था में सहयोग करती है। आउटडोर ट्रेनिंग में पीटी, ऑब्स्टेकल कोर्स, परेड, वेपन ट्रेनिंग, क्राउड मैनेजमेंट, रायट ड्रिल, मार्शल आर्ट और योग की ट्रेनिंग दी जाती है। जीवन के हर क्षेत्र में न्यूनतम समय और संसाधन में अधिकतम उपलब्धि उर्जित करने के लिए स्वयं के एवं समय के प्रबंधन के अभ्यास के लिए नियमित रूप से 1 मिनट ड्रिल कराई जाती है। जंगल कैंप के 7 दिनों में फील्ड क्राफ्ट और जंगल वॉर टैक्टिक्स की ट्रेनिंग दी जाती है, ताकि ट्रेनी मानसिक और शारीरिक रूप से रणनीति में दक्ष हो सके। ट्रेनीज को आधुनिक हथियारों से फायर कराया जाता है। मध्य प्रदेश पुलिस की प्रशिक्षण शालाओं के अपग्रेडेशन के लिए 13वें वित्त आयोग द्वारा स्वीकृत कुल 180 करोड़ रुपए में से लगभग 35 करोड़ रुपए की राशि पीटीसी इंदौर के लिए व्यय की जा रही है। इसमें से 30.54 करोड़ रुपए पुलिस हाउसिंग कॉरपोरेशन द्वारा व्यय किए जा रहे हैं। इसमें नवीन प्रशासनिक और अकादमिक भवन, नालंदा हॉस्टल, आर्यव्रत आउटडोर ट्रेनिंग कॉम्प्लेक्स, प्रवीर मैगजीन, वज्र आर्मरी, सिम्युलेटर हॉल, पार्थ सारथी, एमटी वर्कशॉप, परेड ग्राउंड, स्टेडियम, रनिंग ट्रैक, क्लाइंबिंग वॉल, फैकल्टी गेस्ट हाउस, शुभालय और 11 आवास गृहों का निर्माण किया गया है। नालंदा प्रशासनिक एवं प्रशिक्षण भवन 34,348 वर्ग फीट में निर्मित है, जो बहुत ही खूबसूरत व आधुनिक तरीके से निर्मित है। सबसे पहले एक विशेष स्मारक आपको नजर आता है, जो ऊंचाइयों को छूने का प्रतीक है। नालंदा भवन में जैसे ही आप प्रवेश करते हैं, एक खूबसूरत रिसेप्शन एरिया जिसमें रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता कांटों में राह बनाते हैं नजर आती है, जो सबको प्रेरणा, जोश एवं उत्साह से भरती है। इस भवन में 12 लेक्चर हॉल जिसमें 720 छात्रों की बैठक क्षमता है बनाए गए हैं। ऑडिटोरियम जिसमें पॉलीकार्बोनेट शीट्स एवं टर्बो वेंटिलेटर फैन का उपयोग किया गया है। इस ऑडिटोरियम में 750 व्यक्तियों की बैठक क्षमता है। भवन में पुलिस अधीक्षक कक्ष, 3 DSP कक्ष, फैकल्टी रूम, पृथक महिला स्टाफ रूम, कंप्यूटर रूम, कॉन्फ्रेंस हॉल जिसमें वार्तालाप के लिए PA सिस्टम लगाए गए हैं, लाइब्रेरी, ऑफिस सेक्शन, CLI ऑफिस कक्ष, 4 कॉमन टॉयलेट ब्लॉक इत्यादि सुविधा मौजूद है। सभी कक्षों का इंटीरियर फर्नीचर गोदरेज से सुसज्जित किया गया है। भवन के चारों तरफ गार्डन लगाया गया है। एवं सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया गया है। आर्यव्रत छात्रावास कुल 79,922 वर्ग फीट में बना
550 प्रशिक्षणार्थी क्षमता का छात्रावास भवन जो सर्व सुविधा युक्त है, बंक बेड प्रावधान के साथ 1100 प्रशिक्षणार्थी क्षमता का 3 मंजिला भवन निर्माण किया गया है। भूतल पर 23 रूम, किचन, स्टोर, वॉश एरिया, मेस, डाइनिंग हॉल जिसमें 500 व्यक्तियों की भोजन व्यवस्था एक साथ करने का प्रावधान है, कैंटीन, वार्ड रूम, प्रतीक्षा रूम, प्रशिक्षणार्थियों के सभी कक्षों में पलवा, टेबल, कुर्सी व अलमारी की सुविधा प्रदान की गई है। सभी फर्नीचर गोदरेज का इस्तेमाल किया गया है। भवन के दाईं ओर चढ़ाव की दीवार को क्लाइंबिंग वॉल के रूप में उपयोग हेतु निर्माण किया गया है। भवन के मध्य में खुला आंगन है जिसमें गार्डन बनाया गया है। भवन के सामने भी गार्डन बनाया गया है। भवन के सामने दाईं एवं बाईं तरफ सीमेंट कंक्रीट सड़क का निर्माण किया गया है। आउटडोर ट्रेनिंग ब्लॉक, आधुनिक प्रशिक्षण हेतु नवीन आउटडोर ट्रेनिंग ब्लॉक का निर्माण किया गया है। भूतल पर फायर सिमुलेटर कक्ष, आर्मरी रूम, एम्युनेशन रूम, योजना कक्ष, आरआई कार्यालय, सीडीआई कक्ष, स्पोर्ट एवं क्लॉथ स्टोर कक्ष। भवन का निर्माण ग्राउंड के समीप किया गया है। भवन में हथियार रखे जाएंगे एवं प्रशिक्षणार्थियों को दैनिक प्रैक्टिस के लिए आर्म्स वितरण व्यवस्था रखरखाव किया जाएगा। क्राइम सिमुलेशन रूम में प्रशिक्षण की व्यवस्था रहेगी। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों हेतु जिम्नेशियम हॉल का भी निर्माण किया गया है। मैगजीन रूम, इस रूम में एम्युनेशन रखा जाएगा। इस रूम का निर्माण ग्राउंड व आउटडोर के समीप किया गया है। गेस्ट हाउस, एक बेहद ही आधुनिक गेस्ट हाउस का निर्माण अधिकारियों एवं मेहमानों को ठहराने के लिए किया गया है। ये गेस्ट हाउस 3 मंजिला है और कुल 4874 वर्ग फीट में निर्मित है। भूतल पर एक स्वीट निर्मित है जिसमें एक लिविंग एवं बेडरूम की व्यवस्था है। किचन एवं डाइनिंग भी भूतल पर ही निर्मित है। प्रथम तल पर 4 कक्ष एवं द्वितीय तल पर भी 4 कक्ष बनाए गए हैं। सभी कक्षों में इंटीरियर फर्नीचर भी उपलब्ध करवाया गया है। पुलिस अधीक्षक आवास, एक मॉडर्न आधुनिक पुलिस अधीक्षक आवास का निर्माण किया गया है जो कि 2146 वर्ग फीट में बना है। 2 मंजिला आवास में भूतल पर ड्राइंग रूम, किचन, डाइनिंग हॉल एवं बेडरूम है। वहीं प्रथम तल पर 2 बेडरूम है। एसपी आवास के सामने सीमेंटेड सड़क का भी निर्माण किया गया है। डीएसपी रेसिडेंस, 2 आवास गृह, 2607 वर्ग फीट में बने डीएसपी रेसिडेंस में 2 आवास गृह का प्रावधान है। प्रत्येक आवास में बरामदा, डाइनिंग रूम, लिविंग रूम, किचन एवं 2 बेडरूम बनाए गए हैं। आरक्षक आवास गृह, 2 मंजिला भवन, ये 640 वर्ग फीट में बना है जिसमें लिविंग रूम, 2 बेडरूम, किचन एवं वॉश एरिया व बाथरूम का निर्माण किया गया है। स्टेडियम एवं मंच, एक स्टेडियम जिसमें 180 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता है, ग्राउंड पर निर्माण किया गया है। ग्राउंड पर 2 स्टेडियम का निर्माण किया गया है,
एवं मध्य में एक मंच का निर्माण किया गया है। सभी भवनों के कक्षों में पर्याप्त लाइट एवं पंखे लगाए गए हैं। सड़क पर भी पर्याप्त स्ट्रीट लाइट लगवाई गई है। योजना के अंतर्गत 2.5 लाख लीटर क्षमता का पानी का स्टोरेज प्रदाय हेतु सम्प वेल का निर्माण किया गया है एवं 2 लाख लीटर क्षमता का एक ओवरहेड टैंक का निर्माण कार्य प्रगति पर है। परिसर की सीमा पर बाउंड्री वॉल का निर्माण कार्य भी किया गया है। पीटीएस के इस नए प्रांगण से हमें विश्वास है कि आने वाले समय में हम बेहतर व अत्यधिक निपुण पुलिस बल समाज को देने में सक्षम होंगे। यहाँ तैयार हो रहे हैं वीर सपूत और वीरांगनाएं, जो भविष्य है मध्य प्रदेश पुलिस का, जो रक्षक हैं हमारी विरासतों के, जो खड़े रहेंगे हर नागरिक के साथ संकट की हर घड़ी में। पीटीसी इंदौर, जहां सुनिश्चितता है दक्षता और नैतिकता की। PTC, ensuring efficiency and ethics.